मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 20 अगस्त 2021 के साकार मधुर भाववाक्य हैं। शुक्रिया दिवस पर दिल की गहराइयों से हम परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु का शुक्रिया करते हैं, जो हर रोज़ हमें नई नई बातें सिखाकर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? ऐसा कौन सा संस्कार है जो सेवा में बहुत विघ्न डालता है? भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वो सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी ना करे। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। ऐसा कोई भी संस्कार हो क्रोध करने का, सामना करने का, वो निकाल दो। गीता तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ये गुप्त मेहनत है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना, इसमें गुप्त मेहनत है। बाप भी गुप्त है तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाबा स्वयं आकर कहते, बच्चे मुझे याद करो तो 5-4 वर्ष पहले माफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। मुझे याद करो तो कल्प 5-4 वर्ष पहले माफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते, हम ही सतो प्रधान थे, हम ही तमो प्रधान बने। सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में कहते हैं, तकदीर जो गवाही है वो फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है। तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाबा बच्चों को समझाते, हे रूहानी बच्चे, अब तकदीर बनाने आए हो बाबा के पास, तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वह तो छोटे बच्चे होते हैं। तुम छोटे नहीं हो, तुम बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई कोई बूढ़े भी हैं, बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है, जवान की बुद्धि अच्छी होती है, ये सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, ये बेबी है, इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। स्तुति निंदा सुख दुख इन बातों को तुम समझ सकते हो। छोटा बेबी तो इन बातों को नहीं समझेगा, आप बच्चे समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है, आत्मा तो एकरस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई, सब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाके माथा झुकाते, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे, तुमको ये थोड़ा ही पता था कि ये शिव बाबा हैं। बाबा से जरूर वर्षा मिला है तब उनकी महिमा गाई जाती, कोई अच्छा काम करके जाते तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सर्मोनाइसर, गीता ज्ञानदाता, ये स्टैंप सहज बन सकेगी।
वह बाप सबको सुख देने वाला है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सुख दाम का मालिक बनाने आया हूँ। बुढ़िया भी ये तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो विचित्र है, जिसने चित्र में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता, बुद्धि में रहता हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने टेम्परेरी चित्र धारण किया, पतितों को पावन बनाई, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं अथवा शांतिधाम सुखधाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए कोशिश करते हैं, भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, बस बाबा के पास घर जाएं, भगवान मिले, इसमें सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वो हैं मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वो भी बुद्धि में नहीं आता, तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाएं तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। मुक्ति धाम आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं हम नई दुनिया के लिए राजभाग लेते हैं। बाबा हमें नई दुनिया का राज्य देते हैं, कहाँ देंगे, नई दुनिया में देंगे या पुरानी दुनिया में देंगे। बाबा कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाबा सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ देंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इससे प्यार नहीं रखना। बुद्धि कहती बरोबर, अभी हम संगम युग पर हैं, ये दुनिया बदलने वाली है, अब बाबा आया हुआ है। बाबा कहते मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुम्हें दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। ये ज्ञान की बात है। हरि द्वार कृष्ण का द्वार, अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया, पहले हरिद्वार आएगा, सत्यों को हरिद्वार कहा जाता, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते। वह बात कोई है नहीं, वह तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए, चार भाई तो होते नहीं, चार आठ भाई तो यहाँ होते हैं। एक तरफ है ईश्वरीय संतान, दूसरी तरफ आसुरी संतान। अब तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव बाबा है, ब्रह्मा है दादा, प्रजा पिता है, वे आत्माओं का पिता तो अनादि है। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा सालिग्राम को रचते हैं, नहीं, सालिग्राम तो अविनाशी है ही, सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी शरीर कैसे पवित्र बन सकता। हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने, ये तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान बन गए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुक तू कर सब शांति धाम सुख धाम में आएंगे। हिसाब किताब चुक तू करके सब शांति धाम सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं, वहाँ से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती हैं, ये नॉलेज तुम्हें मिल गई। हम आत्माओं का घर शांति धाम है, अब है संगम, वहाँ से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब जाएंगे। प्रलय तो होने की नहीं है, जानते हो बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। बाबा के पास तकदीर बनाने स्वराज्य लेने आए हैं। ये कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाबा कहते देह सही जो भी देह के मित्र संबंधी हैं सबको भूलते जाओ। देह सही देह के जो भी मित्र संबंधी हैं सबको भूलते जाओ। चित्र और विचित्र है ना, विचित्र उनको कहा जाता जिनको देखा नहीं जाता। ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पार्ट बजाना पड़ता, और किसी की बुद्धि में बातें हैं नहीं। पहले पहले बुद्धि में बिठाना है, हम आत्मा हैं वो हमारा बाप है,
सबसे पहली बात कौन सी बुद्धि में बिठानी है? हम आत्मा हैं, वो हमारा बाप है, उसको ही पतित पावन हे भगवान कह याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं, तो याद भी एक को करना चाहिए। भगवान को याद करते हैं तो ज़रूर उससे कुछ मिलने का होगा, फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना, हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित हैं, पतित वहाँ जा नहीं सकते। अब तुम वंडर खाते हो, भक्ति मार्ग का पार्ट कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर, जब वो एक ही है फिर दूसरी तरफ धक्का क्यों खाते हो? वह एक ऊपर में रहते, परंतु ये सब नूंद है, ड्रामानुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से। अब तुम बेहद समझदार बनते हो, श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। बाबा की श्रीमत पर चलने वाले ही बेहद समझदार बनते हैं, वो छिपे नहीं रह सकते, वो सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाबा कहते हम दुख हरता सुख करता हैं, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाबा को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुम्हें मालूम है लेफ्ट हैंड से इतना काम नहीं कर सकते, क्योंकि राइट हैंड राइटियस काम करता है, इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं, पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाबा कहते हर बात में राइटियस बनो। बाबा मिला बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी किस बात की? बाबा मिला, भगवान मिला, बेहद खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते माँ एकम याद करो, फिर अंत मते सोगते हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है, गाया जाता ईश्वर की गत मत ईश्वर जाने। पतित पावन वही है, वो जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाई दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं, सदगति देने वाला एक बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वह फल देने वाला मैं ही हूँ। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको फल देने वाला मैं ही हूँ, वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको आपे ही मिल जाता अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिवान आलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। बाबा ही सर्वशक्तिवान आलमाइटी अथॉरिटी है, कितना अच्छा बनाते। तुम सब जान चुके हो फिर बाप से वर्षा ले रहे हो, रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। जानते हो ये नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह शास्त्रों की नॉलेज, उनको भक्ति कहा जाता, उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती। हमें पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है, पतित से पावन बनने की नॉलेज बाप ने दी है, सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज बाप ने दी। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता, इसमें सब एक्टर्स पार्टधारी हैं, ये अनादि नाटक बना हुआ है, ये बेहद की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अब हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं, घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। तुम अब देवता बन रहे हो, ये भी समझाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है जिसे हिंदू धर्म कह दिया, धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए, इसमें ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, परिस्थान भी दिल्ली को कहा जाता, यही यमुना का कंठा था, दिल्ली कैपिटल है, बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी ये थी, दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती है, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए, बच्चों को आपस में मिलके सर्विस में लगना है, बच्चों को सबको आपस में मिलके सर्विस में लगना है,
वो लोग भी आपस में नहीं मिलते तो राजाई ही उड़ जाती हैं, दो पार्टी हो जाती हैं, तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है, फिर भगवान का सामना करने में देरी नहीं करते। द्वैत मत हो जाती है तो भगवान का सामना करने में भी देरी नहीं करते, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोध का भूत आ जाता तो बात मत पूछो। इससे बाबा कहते गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे या ना करे, वह है पुरुषार्थ पे मदार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे, इसमें कृपा आदि मांगने की बात नहीं है। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखाना होता फिर तो बाबा कहते हैं इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद ये भक्ति मार्ग के अक्षर हैं, इसमें तो पुरुषार्थ करना होता, प्रेरणा की बात नहीं। तुम्हें तीन इंजन मिली हैं इकट्ठी, वहाँ तो बाप अलग टीचर अलग मिलता, गुरु पिछाड़ी में मिलता, यहाँ तो ये तीनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। इस समय बाबा पूज्य बनाते हैं, फिर आप पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा ना हो कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य है ये दो बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते, जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नर्क के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर हम कहते हैं भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला है, बाप की श्रीमत पर हम कहते हैं भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप तक का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आज की मुख्य बातें, जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। कभी दो मते नहीं बनानी है, भाव स्वभाव में आके एक दुख का सामना नहीं करना, क्रोध का भूत निकाल देना है। भाव स्वभाव में आके एक दुख का सामना नहीं करना, क्रोध का भूत निकाल देना है। वरदान है फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भाव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भाव। संगम युग की विशेषता है, अभी भी पुरुषार्थ, अभी भी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। भविष्य से भी अधिक श्रेष्ठ भाग्य अभी का है, इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं, क्या करें कैसे करें ये होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो, ये फरियाद। क्या करें कैसे करें होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो, ये फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वो महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम